हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच 2D के श्रृंखला में एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फाइंड द एंगल ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पी एंड कट्स द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल 4 एट द पॉइंट क्यू, वेयर डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल होल रूट में 2/3। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस समझने का हमको थोड़ा सा लेट है। करा फाइंड द एंगल ऑफ द लाइन, हमें एक लाइन का एंगल फाइंड आउट करना है विद कंडीशन वो लाइन पासिस कर रहा है इस पॉइंट पी से विच कोऑर्डिनेट 1, 2 एंड कट्स द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल 4 एट द पॉइंट क्यू एंड वेयर पी क्यू इक्वल होल रूट में 2/3। बिफोर ड्रा द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दिस इज द कोऑर्डिनेट, आपको दिख रहा होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक, अब कह रहा कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने एक लाइन को जो है यहाँ पर ड्रा किया और सपोज करते हैं ये पॉइंट पी है और जिसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन डेट है क्वेश्चन में 1, 2 और कह रहा है कि हमें क्या करा फाइंड द एंगल ऑफ द लाइन, इस लाइन का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक, इस लाइन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल थीटा। और क्या फिर कह रहा एंड कट्स द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल 4 एट द पॉइंट क्यू, मतलब ये लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे लाइन को पॉइंट क्यू पर कट्स कर रहा है। तो आइएगा हम एक लाइन और ड्रा कर देते हैं, हमने ड्रा कर दिया और इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल 4 और ये जो दोनों हैं एक दूसरे को इस पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दिया गया है इन दो बिंदुओं के बीच का दूरी हमें यहाँ पर गिवन डेट है वो कितना दिया गया है होल रूट में 2/3। हमें इस पॉइंट क्यू का निकालना है कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं हमें क्या निकालना है कि इसका कितने एंगल से ये इंक्लाइन कर रहा है। तो हमने इस पॉइंट क्यू का थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया x, y। अब आइएगा, ठीक, हम आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम ब्राइटनेस कम कर दें। अब आइएगा अगला चीज क्या है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए हैं कॉन्सेप्ट, हमने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया है, ठीक, कि अगर कोई लाइन हो एक्स एंगल के साथ में थीटा एंगल के साथ ये लाइन झुका हुआ है, ठीक, इस पॉइंट इस लाइन पर एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसी लाइन पर एक दूसरा पॉइंट क्यू एज्यूम कर लेते हैं और हमें बताना है कि इस पी क्यू का मतलब इस क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होता है और इसके बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो पॉइंट q का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है सॉल्यूशन। ठीक, पॉइंट q कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है ना, पॉइंट q का जो कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस माइनस r cos थीटा कमा y प्लस माइनस r sin थीटा, ये चीज हमें पता है बहुत अच्छे से। यहां प्लस माइनस का ये मतलब है कि ये जो पॉइंट क्यू है इस लाइन पर अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो जितना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होने के चांसेस होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना, और दूसरे भी कोऑर्डिनेट में हो सकते हैं। ठीक, इसका प्रूफ हमने प्लस माइनस क्यों होता है हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ही है। अब यहां पर दिख रहा है कि सारा प्रोसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है इसलिए हम यहां पर केवल क्या लेंगे, प्लस वाला ही सिंबल लेंगे। ठीक, अब आइएगा यहां से अगर देखा जाए तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है यहां पर
एक्स वन का मान दिया गया है 1, वाई वन का मान दिया गया है कितना 2, और आर का मान दिया है होल रूट में 2/3। ठीक, अब अगला चीज क्या है, आइए सारा चीज इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा x1 1 प्लस कितना हो जाएगा r cos थीटा, r का मतलब कितना है आपके पास होल रूट में 2/3 cos थीटा। अगला है 2 प्लस होल रूट में 2/3 sin थीटा। ठीक, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। चूंकि पॉइंट Q लाई ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल 4, जो पॉइंट क्यू है इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आइए इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितना है 1 प्लस रूट होल रूट में 2/3 कॉस थीटा, वाई की वैल्यू 2 प्लस होल रूट में 2/3 साइन थीटा इक्वल 4 हो गया। दिस इंप्लाइज होल रूट में 2/3 कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉमन ले लिया। ठीक, 2 प्लस 1 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल रूट में 3/2। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई होता है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसके लिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या करेंगे हम रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस इंप्लाइज 1/√2 कॉस थीटा 1/√2 साइन थीटा इक्वल √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट टू में रूट टू का गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब आइएगा, अब क्या होगा, यहां एक फार्मूला जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, cos a माइनस बी का फार्मूला जनरेट हो रहा है। ठीक, अब यहां पर कितना हो जाएगा √3/2 है, तो अब cos के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये cos कितने का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो यहां पर cos 30 डिग्री हो गया। अब आपको पता है अगर आपके पास क्या होता है कि cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर कितना होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा होता है ना, तो यहां से क्या होगा थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस 30 डिग्री। दिस एम्प्लाइज हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2nπ प्लस माइनस 30 और प्लस में कितना हो जाएगा 45। एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो 30 और 75 डिग्री आएगा। ठीक, केवल 30 और 75 नहीं आ सकता, यहां पर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि साइन का फार्मूला, आप जिसका फार्मूला बना सकते हैं बना लीजिए, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में किस फॉर्म में हमें दे रहा है। ठीक, बाकी कोई कसम नहीं खाना है कि ये हमें कॉस के फॉर्म में ही इसको फार्मूला जनरेट करना है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में भी फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद।